हरियाणा के बारे में मनोहर लाल से ज्यादा, क्योंकि पिछले 10 साल 9.5 साल वो मुख्यमंत्री रहे हैं और अब भी वो हरियाणा से करनाल का ही प्रतिनिधित्व करते हुए केंद्र में मंत्री सांसद हैं। तो मतलब आप देखिए कि मनोहर लाल हरियाणा के बीजेपी के बड़े नेता साबित हुए हैं, जिनके इर्द गिर्द आज भी हरियाणा की भाजपा घूमती है। और अगर मनोहर लाल के निवास पर या धर्मेंद्र प्रधान के निवास पर मीटिंग होती है जिसमें खुद मनोहर लाल मौजूद रहते हैं, तो वो कहीं ना कहीं सरकार बनाने का फार्मूला या तैयार होगा वहां से, एक रूपरेखा या एक सारी वो चीजें एक टेबल पे बैठ के डिस्कस हो सकती हैं कि हम किस तरफ जाएं, क्या करें, क्या करना है, किसे साथ लाना है, किसे साथ नहीं लाना है। चलिए एक बार नितिन का रुख कर लेते हैं। नितिन मनोहर लाल के घर के बाहर हैं पूर्व मुख्यमंत्री और मौजूदा केंद्रीय कैबिनेट मंत्री मनोहर लाल। नितिन जी, क्या अपडेट है आपके पास वहां का? देखिए, अभी फिलहाल धर्मेंद्र प्रधान अंदर मौजूद हैं, मनोहर लाल मौजूद हैं और उनके आवाज के बाहर की तस्वीरें मैं दिखाना चाहूंगा। अभी जब से आंकड़े चेंज हुए 11 बजे के बाद से, तब से बीजेपी में लगातार हलचल नजर आ रही है। बिप्लव देव भी दिल्ली में ही मौजूद हैं और अभी जो प्रभारी हैं धर्मेंद्र प्रधान, वो यहाँ पर अंदर मौजूद हैं और इसके साथ साथ बाकी के नेता भी संगठन के यहाँ पर अभी पहुँच रहे हैं। और ये जैसे जैसे, क्योंकि अभी अगर आगे ये नतीजों में अगर बदलता है, अभी क्योंकि एक सीट पर नतीजा क्लियर हुआ है, एक पे कांग्रेस हुई, एक पे बीजेपी हुई है, जैसे जैसे अगर नतीजा क्लियर होता है, अभी वेट एंड वॉच की स्थिति है। अगर क्योंकि पिछली बार जेजेपी के सहारे से सरकार बनी थी, इस बार ऐसी सिचुएशन आती है तो निर्दलीय किस सिचुएशन रहते हैं, क्योंकि कुछ निर्दलीय ऐसे हैं जिनको बीजेपी से टिकट नहीं मिला था और वो अब ट्रेंड कर रहे हैं, आगे जीत रहे हैं, तो उनको अपनी तरफ कैसे लाना, किस तरीके की चीज़ें रहेंगी, एक इसके ऊपर रणनीति बन सकती है। वहीं जो थोड़ी देर पहले जहां ढोल नगाड़े बज रहे थे कांग्रेस दफ्तर में, वो तो बंद हो गए, लेकिन अब बीजेपी के बाहर हलचल यहां जरूर बढ़ गई है, क्योंकि प्रभारी मौजूद हैं, पूर्व मुख्यमंत्री मौजूद हैं और जितना टिकट वितरण जितना भी हुआ था उसमें मनोहर लाल हर बैठक में थे, उनकी भूमिका एक अग्रणी वहां पर रही थी। तो उस हिसाब से भी देखा जाएगा, क्योंकि कई सीटें हैं जिन पे अभी मार्जिन कम है, राउंड काफ़ी बचे हैं, तो वो भी पार्टी अभी वेट एंड वॉच की स्थिति में रहेगी। पिछली बार जब जेजेपी के साथ सरकार बनाई थी, निर्दलीय साथ लिए थे, तो हमने देखा था कि एक प्लेन में गोपाल कांडा सबको लेकर के आए थे दिल्ली और यहाँ पर अनुराग ठाकुर के घर बैठक हुई थी, उसके बाद फिर ऐलान किया गया था गठबंधन का। तो इस बार क्या मनोहर लाल उस सिचुएशन में नज़र आ सकते हैं अगर ऐसा हुआ तो? लेकिन अभी जो ट्रेंड चल रहे हैं उनमें तो बीजेपी 45 का आंकड़ा भी पार कर चुके हैं, लेकिन ये ट्रेंड क्योंकि जी। बेहद शुक्रिया नितिन हमें पल पल की जानकारी देने के लिए। मनोहर लाल के घर के बाहर जहां धर्मेंद्र प्रधान के साथ मनोहर लाल की बैठक चल रही है।